बच्चों, गुड मॉर्निंग. दिस इज अंकित जसवाल, योर इंग्लिश टीचर. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, इन लास्ट टू वीडियोस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी टाइटल्ड क्वालिटी. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर. टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन इन दिस चैप्टर. बच्चों, हमने क्वालिटी जो चैप्टर है उसमें उसकी स्टोरी को फिनिश किया है. अब हम लोग इसमें जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है या दूसरी एक्सरसाइज, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं आपको बताऊंगा. आप लोग खुद से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा. बट आप लोग खुद से ट्राई करें पहले. सबसे पहले तो आपका काम ये है कि आपको जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड या फिर ऐसे वर्ड विच इज़ नॉट ईजी टू प्रोनाउंस, जो आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं आप लोग, या फिर ऐसे जिनका मीनिंग आपको जानना चाहिए डेली यूज के हैं, वैसे आप लोग को 50+ अपनी तरफ से वर्ड मीनिंग इसमें से निकाल लेने हैं. ये आपके लिए आपका टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ. बाकी मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आपका भी कुछ ऑब्लिगेशन है कि आप लोग भी इसको करें. आपकी ड्यूटी ये है कि आप लोग इसको करें. अगर आप लिटरेचर में, आप लैंग्वेज में अच्छे होने चाहते हैं, तो आपका वोकैबुलरी पे कमांड अच्छा होना चाहिए. वोकैबुलरी पे कमांड तभी अच्छी होगी जब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे वोकैबुलरी के लिए. तो आप लोग करें क्या, इसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढें जो डेली यूज़ के लिए, उनकी मीनिंग सर्च करें, उनको यूज करें अपने घर पे, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर पे, अपने दोस्तों के साथ यूज करें उनको. तो ये 50+ वर्ड्स आप डेली यूज के लिए निकालें पहले अपने इस चैप्टर से, ठीक है ना. उसमें कुछ आपको ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जो जर्मनी के हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, वो लोग टी को डी बोलते हैं, ठीक है ना. जैसे वांड को क्या बोला था उसने, जैसे देखिए गेसलर ने क्या बोलता था, वांड की बात जब आई थी तो वो वांट को वांट ना बोल के वांड बोलता था ना, व्हाट डू यू वांट, है ना. सो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जर्मनी का भी थोड़ा बहुत आप लोग वोकैबुलरी सीख लेंगे, काम ही आएगा आपके. तो कैसे आपको मालूम चलेगा, लेकिन लैंग्वेज सीखने से यही होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि कैसे क्या सराउंडिंग्स, क्या यूज, क्या वहाँ का जो एक्सेंट है वो कैसे है ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज. सबसे पहले जैसे ही आप आएंगे तो नीचे तो आपको देखने को मिलेगा वर्किंग विद द टेक्स्ट, ठीक है. ये हमारा पहला एक्सरसाइज है. चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेसलर एज अ बोटमेकर. देखो बच्चों, अथर मतलब होता है लेखक और ओपिनियन मतलब होता है राय. तो क्वेश्चन से क्या मालूम चलता है कि भाई अथर यानी जो लेखक है उसकी राय, ओपिनियन क्या थी, किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, मिस्टर गेसलर बूट मेकर, जूता बनाने वाला. तो भाई जो अथर था, ठीक है, लेखक था, उसकी ओपिनियन मिस्टर गेसलर के बारे में क्या थी, वो क्या सोचता है कि भाई मिस्टर गेसलर एक कैसा जूता बनाने वाला इंसान है. जूता बनाने वाले के रूप में मिस्टर गेसलर के बारे में अथर की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो क्या मानता है, कैसा है, किस तरह का जूता बनाने वाला है मिस्टर गेसलर, अच्छा है, बुरा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, वो डिस्क्राइब करनी है आपको. तो ये आपको, आप ऊपर ही जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी. मैंने आपको बताया है कि ही वॉज अ डिसेंट बूट मेकर. आपको पहले बता दिया है कि जो भी वो मिस्टर गेसलर थे वो बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक, डिसेंट, ठीक है, एक बूट मेकर हैं. बाकी की क्वालिटीज़ आपको ऊपर डिस्क्राइब की है स्टोरी में, वो आप खुद से ट्राई करेंगे करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. कह रहा है जो अथर है वो शॉप को इनफ्रीक्वेंटली क्यों विजिट करता है, विजिट करना वहाँ क्यों जाता है. इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार, मतलब लगातार ना जाना, कभी कभार जाना. तो ऐसा क्यों है, जो लेखक है वो कभी कभी ही क्यों जाता है उसकी मिस्टर गेसलर की शॉप पे, डेली क्यों नहीं जाता, ठीक है, या फिर अक्सर क्यों नहीं जाता है, क्यों ऐसा बहुत कम क्यों जाता है वो. तो ये इसका भी वजह आपके पास है, क्योंकि उसके जो द बूट मेड बाई मिस्टर गेसलर लास्टेड ट्रेबली, ये बताता है जो अथर है, कहता है जो जूते बनते थे भैया वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ होते थे, और टिकाऊ होने की वजह से बिकॉज इट यूज टू लॉन्ग फॉर लास्ट, तो इसीलिए इसीलिए क्या होता था कि जो अथर था वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली विजिट करता था, ठीक है. इसका भी आंसर आप लोग लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेसलर ऑफ द अथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स. कुछ जूतों की शिकायत लेके जाता है जो है मिस्टर गेसलर के पास अथर, कहता है कि भाई आपके जूते ये अच्छे नहीं हैं इस बार, तो ये क्या क्या और भी शिकायतें की थी, कंप्लेन की थी,
तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा मिस्टर गेसलर पर, मिस्टर गेसलर का जो रिएक्शन था वो क्या था, वो आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर गेसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फॉर्म्स। मिस्टर गेसलर उसके जवाब पर, ऑथर के जवाब पर कि भाई जो जूते हैं खराब हो गए क्यों हुए, तो वो शिकायत करते हैं बिग फॉर्म्स यानी जो बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स कंपनियाँ हैं जो जूते बनाने वाली आज के टाइम पे, उनके बारे में वो शिकायत करते हैं। तो क्या शिकायत करते हैं उसको आपको लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट, डिड ही रियली नीड देम। ऑथर ने आखिर में बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दे दिए मिस्टर गेसलर को, क्या वाकई में मिस्टर गेसलर को इतने जूतों की ज़रूरत थी या फिर ऐसे ही ऑर्डर दे दिए थे कुछ सोचकर। तो आपने देखा कि स्टोरी में पढ़ा कि भाई वाकई में उसके जूतों की ज़रूरत नहीं थी, वो उस पर दया खा के कि उसका बड़ा भाई मर गया है, वो अकेला है, उसकी दुकान नहीं चल रही है, तो उसके प्रति मर्सी दिखाते हुए वो बहुत सारे जूतों को ऑर्डर दे देता है। इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में जो आपकी स्टोरी में है वो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपका देखिए, वर्किंग विद द लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए बच्चों। फ्रेजेस मतलब होते हैं एक दो तीन वर्डों का समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उनका मीनिंग पूरा नहीं होता, पूरा मीनिंग नहीं होता, ठीक है, एक अपने आप में मीनिंग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी कंप्लीट मीनिंग देंगे, वो सेंटेंस नहीं होते, ठीक है, पार्शियल दो तीन वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, वो अपने आप में मीनिंग रखते हैं, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते लेकिन मीनिंग रखते हैं, ठीक है, और उनको यूज करते हैं हम लोग पार्शियली कहीं भी सेंटेंस में। चलिए देखते हैं, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, जैसे आप बोलते हो किसी की केयर करना तो आप बोलोगे आई एम लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, देन आई एम लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन, तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन मतलब डिसअप्रूव, ठीक है, ये किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, मना कर देना या फिर नीचे दिखाना, ठीक, नीचे समझ के कि भाई बहुत नीच चीज़ है, उसको डिसअप्रूव मना कर देना, ठीक है, स्वीकार ना करना। तीसरा है लुक इन, लुक इन मतलब होता है बच्चों किसी को बहुत ही थोड़ी देर के लिए देखना, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही थोड़ी देर के लिए देखना या उसके पास चले जाना, ठीक है, एकदम छोटे समय के लिए। फिर होता है लुक इन टू, लुक इन टू मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टिगेट करना, खोजबीन करना, जाँच पड़ताल करना। देन कम लुक आउट, लुक आउट मतलब होता है सावधान रहना, ठीक है। फिर लुक अप, लुक अप मतलब होता है इम्प्रूव, सुधार करना। लुक अप टू मतलब होता है एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। तो इतने फ्रेजेस हैं जो लुक से बनते हैं, लुक वर्ड से इतने फ्रेजेस बनते हैं, इनका यूज आप लोग करेंगे, इनका सेंटेंस में आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक बता दिया था, एक और बताता हूँ, जैसे लुक इन टू, लुक इन टू मतलब इन्वेस्टिगेट यानी कि खोजबीन करना। तो मैं बोल सकता हूँ द पुलिस लुकड इन टू द मैटर, जो पुलिस है उसने मैटर की छानबीन की, ठीक है, ये चीज़ आप लोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे देखिए यही चीज़ आपको फुल करना है, ये देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, यही फ्रेज आपको यहाँ फिल करने हैं। जैसे पहला है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, कह रहा बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद द वेदर इज़, अब जो मौसम है वो आखिरकार क्या हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इम्प्रूव हो गया, सुधर गया ना, तो द वेदर इज़ लुकड अप, ठीक है, एट लास्ट, तो वेदर इज लुकड अप एट लास्ट। फिर सेकेंड है वी हैव नो राइट टू, कह रहा हमारे पास कोई राइट नहीं है, ठीक है, क्या करने का, पीपल हु स्मॉल जॉब्स, जो छोटे काम करते हैं हमारे पास उनको राइट नहीं है, तो क्या करने का राइट नहीं है भाई, देखिए उनको हमारे उनके लिए इन्फीरियर, ये लुक डाउन ऑन उनको नीचा दिखाने का ना, तो लुक डाउन मतलब नीचा दिखाना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास उनको उनके लिए लुक डाउन यानी नीचा दिखाने का कोई भी राइट नहीं है, तो ये हो जाएगा वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। उसके अलावा भी आप लोग देखिए यहाँ पे, आप लोग अपने तरफ से इसको करेंगे, इसकी मीनिंग निकालेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको ऑलरेडी बताऊँगा, बट अभी आप लोग इसको करेंगे, मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए नितिन हैज ऑलवेज, नितिन कह रहा हमेशा क्या, हिज अंकल, नितिन हमेशा क्या करता रहा अपने अंकल को, हु इज जस्ट सेल्फ मैड मैन, अंकल अपने हमेशा सेल्फ मैड मैन रहे हैं, तो क्या कर रहा भाई, उनकी प्रशंसा करेगा हमेशा, भाई वो अपने एक खुद से बने हुए इंसान है, तो एडमायर यानी लुक अप टू, तो नितिन हैज ऑलवेज लुकड अप टू हिज अंकल हो जाएगा, ठीक है। द पुलिस आर, देखिए यही मैंने आपको बताया, द पुलिस आर, तो पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, तो इन्वेस्टिगेट का क्या होता है बच्चों, लुकड इन टू है ना, द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर थ्रोली। फिर फिफ्थ हो जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल, कह रहा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आई विल, मैं क्या करूँगा आपको भाई, ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आपका, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, तो भैया देखिए यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यहाँ पे लुक इन, ठीक है, तो लुक इन लगाएंगे आप, तो
सॉरी इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आई विल लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करूँगा, तो आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन फॉर यू, तो मैं आपके बच्चों का देखभाल करूँगा, तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना हो जाता, तो यहाँ पर लुक आफ्टर हो जाएगा, ठीक है, लुक आफ्टर। चलिए अगला है, आई प्रोमिस टू, कह रहा मैं प्रोमिस करता हूँ ऑन योर ब्रदर, ठीक है, आई प्रोमिस टू वेन आई विजिट लखनऊ, कह रहा मैं प्रोमिस करता हूँ आपके भाई से, क्या करने का भाई, आपके भाई से मिलने का, तो देखिए मिलने का वो लुक इन, लुक इन मतलब मिलना, तो आई प्रोमिस टू लुक इन, मैं आपसे भाई से थोड़ी देर के लिए मिलूंगा, लुक इन मतलब थोड़ी देर के लिए मिलना, शॉर्ट पीरियड के लिए। फिर लास्ट में आता है सिक्स, वेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, तो भैया सावधान रहिए जब आप क्रॉस कर रहे हैं, तो सावधान के लिए क्या दिया गया, लुक आउट है ना, तो लुक आउट वेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड लाउडली एंड क्लियरली, कह रहा है इन वर्ड को लाउडली और क्लियरली पढ़िए, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में दोनों को बोलने में डिफरेंस आता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सी ओ टी, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्वाट, क्या पढ़ेंगे क्वाट, इसको पढ़ेंगे कोट, देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे क्वाट ओ का साउंड आता है, यहाँ पे ओ का साउंड आता है, कोट है ना, इसको ध्यान रखें, कॉस्ट कोस्ट, टॉस्ट टोस्ट, गॉट गोट, रॉट रोट, ब्लॉट ब्लोट, एंड नॉट एंड नोट, इस तरह से नो नॉ, दोनों में डिफरेंस है ना, तो इस तरह से आप लोग करेंगे। फिर देखिए इसमें कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कॉन्टेंस वर्ड एस एच, शा शाह का साउंड आता है, शाह का, ठीक है, शाइन इन द बिगनिंग और इन मिडल और द, ठीक है, देन अरेंज द वर्ड्स इन थ्री ग्रुप्स इन द टेबल ऑन पेज 80, तो 80 पेज नंबर पर आपको कह रहा है ऐसे ही आपको ग्रुप बनाने हैं तीन तीन, जिनका साउंड शाह से निकलता है, शाह से, देखो शीप ट्रैश है ना, शारा मार्श, इस तरह से आपको आपको और सारे वर्ड निकालने हैं, तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, पेज नंबर 80 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप देखिए, तो बच्चों ठीक है, इनिशियल देखिए, ये इनिशियल मिडिल फाइनल क्या है, देखिए इनिशियल मिडिल फाइनल ये होता है कि जब शुरुआत में आ रहा हो शाह, जैसे देखो शुरुआत में शी शाह शीप, तो यहाँ पे शीप लिखेंगे, शीप शाह, ठीक है, शुरुआत में और कहाँ आ रहा है, तो शू, यहाँ पे शू, यहाँ पे शुरुआत में शाह आ रहा हो, फिर बाद में बीच में आ रहा हो जैसे एस एस, तो एस एस है ना, एस एस में आपका बीच में शाह आ रहा, तो यहाँ पे एस एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लास्ट में किस में आ रहा है, तो पॉलिश में लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ लास्ट, तो इस तरह से आपको करना है, जिसमें शुरू में शाह आएगा वो यहाँ लिखना है, बीच में शाह आएगा तो यहाँ लिखना है, और लास्ट में शाह आएगा तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए बच्चों इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सी एच यानी चा का साउंड आ रहा है, अच्छा रिप्रेजेंट द सेम साउंड एज चेयर, द वर्ड ऑन द लेफ्ट हैव द साउंड इनिशियली, दोज ऑन द राइट हैव इट फाइनली, देखिए यहाँ पे जहाँ पे आप देखोगे बच्चों यहाँ पे शुरुआत हुआ है उस चीज़ से, यहाँ पे लास्ट हुआ है, जैसे चूज में चा का साउंड आ रहा है, यहाँ पे बेंच में लास्ट में चा का साउंड आ रहा है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से जो भी साउंड यहाँ पे आपको देखिए अंडरलाइन था, यहाँ पे जितने भी चा के साउंड मिलेंगे चा वाले, उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए फीचर फीचर है ना, चा आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे चा आ रहा है ये आपको लिखना है, वर्ड लिखा आपने फीचर फीचर मिडिल में आ रहा है फीचर चा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मिडियल, ठीक है, तो जहाँ भी चा का साउंड आ रहा है उसको आप लिखेंगे। रीचिंग यहाँ पे मिडिल ईयर में आ रहा है, रिचेस यहाँ भी मिडिल में है, पैचेस चर्चेस चा यहाँ पे लास्ट में है, तो लिखेंगे फाइनल, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए बच्चों स्पीकिंग में है, डू यू थिंक मिस्टर गेसलर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कम्पिटेटिव बिजनेसमैन, कह रहा है जो मिस्टर गेसलर से आपको क्या लगता है, एक जूता बनाने वाले के रूप में वो फेल हो गए थे, असफल रहे थे, या फिर एक कॉम्पिटेटिव बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे वो, दोनों में से आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय चाहिए, आप उसको बोलेंगे बताएंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कह रहा है जो टाइटल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, उसका महत्व क्या है, उस टाइटल का आखिरकार महत्व क्या है, ठीक है, महत्व बताना है आपको टाइटल का, जो टाइटल दिया गया है उसका आखिरकार क्वालिटी नाम क्यों दिया गया, ठीक है, उसका क्या महत्व है इस चैप्टर में। सो अब सीधे आपको यहाँ आना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आना है, देखिए लुक एट द पिक्चर, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, लड़का कह रहा है मुझे विदेश जाना है पढ़ाई के लिए। अरिशा कहती हैव यू, डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट, लव माई कंट्री, कह रहा है क्या तुमको लगता है कि कभी मैं बाहर जाऊंगी, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है। तो लेट पेयर ऑफ स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर अबाउट लिविंग द कंट्री, तो कह रहा है आपको अब बात करते हुए देखना है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं देश छोड़ने के बारे में, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस चीज़ पर, जो अजीत है, ठीक है, एक स्टूडेंट है वो है अजीत, ठीक है, और दूसरा उसको जो है रीज़न देता है
कि उससे अजीत से एग्री नहीं करता। अजीत कहता है कुछ स्टेटमेंट बोलता है, अजीत उस बात से एग्री नहीं करता। तो आपको इस सेंटेंसेस का यूज करके बनाना है। इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस, कह रहा है अगर मैं ये देश छोड़ दूंगा तो मैं मिस करूंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको एक स्टेटमेंट यानी कि एक पूरा पूरा पैराग्राफ कन्वर्सेशन तैयार करना है, करिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, इस पर आपको कहानी लिखनी है। देखिए कहानी कैसे है, योर आंट हैज़ गोन टू हर मदर्स हाउस, आपकी जो आंटी हैं वो आपके मम्मी के घर गई हैं। योर अंकल डज इज कुकिंग, आपके अंकल खाना बनाते हैं। ही इज एब्सेंट माइंडेड, कम दिमाग के हैं। ही पुट्स वेजिटेबल ऑन द स्टोव, वो जो है स्टोव पर सब्जियां डाल देते हैं, स्टोव में सब्जियां डाल देते हैं। ही बिगिंस टू क्लीन हिज बाइसाइकिल आउटसाइड, और अपनी बाहर जाकर अपनी साइकिल साफ करने लगते हैं। द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग, फिर उनको जो पड़ोसी है उनका बताता है कुछ जल रहा है। योर अंकल रशेस टू द किचन, और अंकल आपके किचन में जाते हैं। टू सेव वेजिटेबल्स ही पुट सम ऑयल ऑन देम, और सब्जियों को बचाने के लिए उसमें कुछ तेल डाल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो तेल वो डालते हैं वो मशीन ऑयल है, पकाने वाला ऑयल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द वेजिटेबल, क्या लगता है आपको कि सब्जियों के साथ क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपको शुरू करना है कि भैया लास्ट महीना मेरी आंटी जो है वो गई थी विजिट करने पेरेंट्स के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज कर लेनी है। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज से पूछ सकते हैं। बाकी आप ट्राई करें, रफ कॉपी में करिएगा, फिर कॉपी में मत करिएगा, रफ कॉपी में करके या बुक में करके मुझे दिखाइएगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स के पीडीएफ में बचे हुए हैं वो आपको आज या कल में, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो टर्न के पहले पहले आपको मिल जाएंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।